पिछले महीने का पोषण ट्रैकर में कैसे देखते हैं रिपोर्ट, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जब डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड के नीचे आप देखेंगे तो MPR लिखा हुआ है, मासिक प्रगति रिपोर्ट। मासिक प्रगति रिपोर्ट में हमें एक महीने पिछली जानकारी मिल जाती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आंगनबाड़ी सेंटर पर 5 रजिस्टरों को बंद कर दिया गया है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमने जो पोषण ट्रैकर में रिपोर्ट भरी होती है वो हमारे पास किसी भौतिक रूप में सामने तो होती नहीं है, और जब हमें जरूरत लगती है या विभाग द्वारा मांगा जाता है तो हम ये रिपोर्ट देने में अक्षम हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं। तो आप डैशबोर्ड में जाकर MPR वाले ऑप्शन को टच करके, जैसे हमने बताया वैसे आप जो एक महीने पीछे का, जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो हम जुलाई महीने की रिपोर्ट को देख सकते हैं, और जो रिपोर्ट हमसे मांगी जाए इस महीने उसको हम अच्छी तरह से आराम से दे सकते हैं। अभी देखिए आपने देखा लाभार्थी जिसमें दिखा रहा है 109, हमने पूरा गर्भवती धात्री 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, सारी रिपोर्ट, सारे बच्चों का, गर्भवती धात्री का जानकारी आपको MPR में, जैसे बहनों अगर आपने भरा है तब, इस बात को भी ध्यान रखिए कि हर महीने आपको रिपोर्ट भरनी होती है, तो उसी रिपोर्ट के हिसाब से हमारा MPR बनके पोषण ट्रैकर में तैयार होता रहता है। यहाँ पर HCM से लेकर लाभार्थी के पूर्व स्कूली शिक्षा, गृह भ्रमण, जितने भी आपने अपने पोषण ट्रैकर में फीड किया है या नहीं किया है वो चीजें भी शो करती हैं। आइए दिखाते हैं आपको, आप देखिए जितने भी लाभार्थी आपके लक्षित हैं या जितने लाभार्थी, देखिए हमने लाभार्थी का टच कर दिया है तो यहाँ पर ओपन होके आ गया है, जितने भी लोगों को पूरक पोषाहार दिया गया है, जितने लोगों को स्कूली शिक्षा दी गई है, तो सबसे मेन होता है पूरक पोषण का और स्कूली पूर्व शिक्षा का। तो हम पूरक पोषण का ओपन करके आपको दिखाते हैं, कुल लाभार्थियों की संख्या आप देखिए, कितने लोगों को पूरक पोषाहार दिया गया है, कितने लोग आपके यहाँ पोषण ट्रैकर में फीड है, और कितने लोगों को ये पोषक आहार जो दिया गया है महीने में कितने की संख्या जोड़कर हो रही है, ये सारी चीजें हमें MPR में मिल जाती है। जैसे कि हम MPR को जब जमा करते हैं तो उसमें भरते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसमें ये है कि हम प्रेजेंट टाइम का MPR जमा करते हैं और ये एक महीने पहले तक का हमको MPR दिखा देता है। अब इस महीने का हमें अगस्त महीने का सितंबर में दिखाएगा। वैसे हमें विवरण, जो विवरण एरो बना हुआ है, एरो टच कर देंगे तो यहाँ एक एक लाभार्थियों का पूरक पोषाहार जो दिया जाता है समस्त लाभार्थियों का यहाँ पर शो कर देगा, सारे लाभार्थियों की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। गर्भवती महिलाएं जितनी भी हैं, आप देखिए 12 सीधे शो कर रहा है, और 275 दिनों का THR, लोगों को THR इस हिसाब से दिया गया है, और HCM तो दिया नहीं जाता है, धात्री माताओं का जितना भी THR दिया गया है HCM नहीं दिया जाता है इन लोगों को, तो HCM यहाँ पर 0 दिखा रहा है, और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को भी THR ही दिया जाता है। तो THR, अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जो ज्यादा संख्या दिखा रही है वो किस चीज की है, वो जो आपने 35, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 35 बच्चे हैं, 35 बच्चों का हमने 25-25 दिनों का दिया है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जैसे 807 है ये जोड़कर दिया गया है, इस बच्चों को भी नहीं दिया जाता है HCM, तो HCM का यहाँ पर 0 शो कर रहा है। अब आते हैं हम 3 से 6 साल तक के बच्चों का, यहाँ 61 बच्चे लक्षित हैं और 59 बच्चों को दिया गया है। इस तरह से ये यहाँ पर HCM की भी संख्या दिखाई जा रही है, तो जब कंटिन्यू सारे बच्चों का प्रतिदिन HCM और अटेंडेंस भरा जाता है तो ये संख्या इन लोगों की अधिक आती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, MPR में वही चीजें शो करेंगी जो आपने पोषण ट्रैकर में डे पर डे प्रतिदिन का भरा है। और उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीजें हैं बहनों, कि हम लोगों से विभाग द्वारा मांगा जाता है कि हमने कितने बच्चों का अटेंडेंस लगाया
और कितने बच्चों ने एचसीएम खाया। अब एचसीएम और अटेंडेंस तो हम ट्रैकर पर ही भरते हैं, भौतिक रजिस्टर तो बंद हो चुका है। ये सब दिक्कतें आती हैं जब हमसे मांगा जाता है, तो भौतिक आख्या हमारे पास कुछ होती नहीं है, तो हम देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए आपको पोषण ट्रैकर पर मैं दिखा रही हूँ, वहां से ये वाली रिपोर्ट आप लोगों को, बच्चों की उपस्थिति की रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगी। ये जुलाई महीने का है। आइए हम पोषण ट्रैकर पर स्कूल पूर्व शिक्षा बच्चों की उपस्थिति पिछले माह का कैसे देखें, कि कितने बच्चे उपस्थित थे और कितने बच्चों ने एचसीएम खाया। एचसीएम मतलब हार्ट कुक्ड मील खाया है, गर्म खाना खाया है। मासिक रजिस्टर डाउनलोड करें, ये लिखा होता है। एरो को हम टच कर देंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा फीचर। आप देखिए यहाँ पर डाउनलोड और रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। तो डाउनलोड करने से पहले आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन टच करना होगा। रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा बहनों, तभी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो आइए हम दिखाते हैं इसको कैसे करना है डाउनलोड। डाउनलोड के लिए बस इसी ग्रीन वाले ऑप्शन को टच कर देना है। देखिए 1 सेकेंड के अंदर फाइल डाउनलोड हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुकी है। और जब ये सक्सेसफुली लिख दे, उसके बाद आप जैसे भी अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट देखते हैं, बैक जाकर पीछे जाकर आप अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट को आसानी से देख पाएंगे। डॉक्यूमेंट में जाकर के इसको देख सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, फटाफट इसमें दिखने लगा है सब कुछ। सारी रिपोर्ट पिछले माह जुलाई की सारी रिपोर्ट ओपन होकर के सामने आ गई है। ये रजिस्टर है प्री स्कूल के बच्चों का, एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, पूर्व स्कूल भी पूर्व शिक्षा, जो इसका भौतिक रजिस्टर अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एससी एसटी अदर सारे बच्चों का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, कौन से बच्चे किस तारीख को आए हैं, कौन सा बच्चा उपस्थित रहा है और कौन सा बच्चा उपस्थित नहीं रहा है। पूरा 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों की पूरी संख्या यहाँ पर शो हो जा रही है। तो ये बहुत ही आसान है बहनों, आप लोग भी ना घबराएं, परेशान ना हो। जब भी एचसीएम के लिए अटेंडेंस मांगा जाए, जितने बच्चे उपस्थित होंगे उतने ही बच्चे एचसीएम खाएंगे। तो जब भी आपसे रिपोर्ट मांगी जाए, आप आराम से ये वाला मासिक रिपोर्ट इसको डाउनलोड करके आप रिपोर्ट दे सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा भद्रनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।